जितिन जायसवाल सर और जो सेक्रेटरी है जितिन जायसवाल सर, उनकी कानपुर शहर में बहुत ही अच्छी ऐसी इमेज है और बहुत अच्छा ऐसा नाम पहचान है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नितिन जायसवाल साहब और जितिन जायसवाल साहब को मैं बहुत समय से जानता हूँ और उन्होंने जिस तरह से जो सोच के साथ ही अपनी स्कूल शुरू की, तिरुपति इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, वो लगता है क्योंकि मैं तो इस फील्ड में बहुत समय से हूँ, एक अलग सोच है काटोल के बच्चों के लिए, ईमानदारी से और जेन्युइनली एक अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करने के लिए वो स्कूल आई है, जिसका नतीजा आपने देखा भी इस बार जिस तरह की रिजल्ट आई है, नागपुर के कई अच्छे स्कूलों के बराबरी के रिजल्ट है, उससे बेहतर है। तो ये जब सोच उनकी है और आगे उन लोग काटोल के बच्चों के लिए 12वीं के बाद की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, 12वीं के बाद इंजीनियरिंग मेडिकल की, उसकी पढ़ाई की जो इनपुट्स जो भी है वो देने की कोशिश है, तो हमें उनसे बेहतर और शायद ही कोई लोग लगे पूरे काटोल शहर में और वो काबिल भी है इसके कि वो दे सकते हैं, हमें इसका पूरा विश्वास है। सर मुझे बताइए कि आपने जो तिरुपति इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल काटोल के साथ टाइप की है, तो उसकी वजह आपने उनकी पहचान जान पहचान ये देख के की है कि स्कूल का जिनका वो स्कोर है, जो उनकी डेडिकेशन है स्कूल के की तरफ, उसको देख के किया है? एक जायसवाल फैमिली जानी मानी फैमिली है, उन्होंने देखा है कि कई सारे बच्चे नागपुर पढ़ने जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनकी मम्मी लोगों को वहाँ रहना पड़ता है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, यू नो फैमिली के कुछ मेंबर नागपुर में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, अब कुछ पैसा लगा सकते हैं, कई किसानों के बच्चे जिनमें काबिलियत है लेकिन वो लाखों रुपये नागपुर जाके नहीं दे सकते, तो अलग अलग वर्ग के लोगों की दुविधा को समझ के उन्होंने एक ऐसी प्रणाली जो नागपुर में चल रहा है वो सिस्टम आज काटोल में लेकर के आ रहे हैं। क्यों ला रहे? ताकि लोगों को तकलीफ ना उठाना पड़े। यहाँ क्या है, तो जिस तरीके से उन्होंने 10वीं को इतना बढ़िया तरीके से रिजल्ट दिया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 11वीं 12वीं में भी इससे बढ़िया रिजल्ट लेकर के आएंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, इश ऑल द बेस्ट। मैं वैशाली सावरकर, विदर्भ दर्पण न्यूज के साथ।